हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार पहलवान, गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के मूल्यों संबंधी विचारों के बारे में, जो कि बीए तृतीय वर्ष के लिए अति आवश्यक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शुरू करते हैं दोस्तों। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी की विशेष प्रसिद्धि सामाजिक मूल्य संबंधी सिद्धांत के कारण हुई है। उन्होंने अपने सिद्धांत को पूर्व तथा पश्चिम की अवधारणाओं के एक समन्वय के रूप में स्थापित किया। इसके लिए विश्व में ख्याति प्राप्त समाजशास्त्रियों ने उनकी बहुत अधिक प्रशंसा भी की। सामाजिक मूल्य के सामाजिक मान, लक्ष्य या आदर्श हैं, जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियां तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्य हमारे लिए कुछ अर्थ रखते हैं और उन्हें हम अपने सामाजिक जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण मानते हैं। इन मूल्यों का एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार या पृष्ठभूमि होती है, इसलिए प्रत्येक समाज में मूल्यों में हमें भिन्नता दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं। भारतीय समाज के हिंदुओं में विवाह के प्रति एक विशिष्ट सामाजिक मूल्य यह है कि विवाह बंधन एक पवित्र एवं धार्मिक बंधन है। इस कारण इसे अपनी इच्छानुसार समाप्त नहीं किया जा सकता। साथ ही यह पवित्रता तभी बनी रह सकती है जबकि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार बने रहें। इन मूल्यों का सामाजिक प्रभाव पर यह हिंदुओं में विवाह विच्छेद की भावना नहीं आ पाती और विधवा विवाह को उचित नहीं माना जाता। इसके विपरीत पश्चिमी समाज में विवाह के संबंधित इन मूल्यों का नितांत अभाव होने के कारण विवाह विच्छेद या विधवा विवाह निंदनीय नहीं माना गया है। सामाजिक मूल्य सामाजिक मान है जो कि सामाजिक जीवन के अंतर संबंधों को परिभाषित करने में सहायक होते हैं। मूल्यों द्वारा ही सभी प्रकार के विचारों का मूल्यांकन किया जा सकता है, चाहे वे भावनाएं हो, विचार हो, क्रिया, गुण, वस्तु, व्यक्ति, समूह, लक्ष्य या साधन हो। मूल्यों का एक उद्वेगात्मक आधार होता है और भी स्पष्ट रूप से मूल्य समाज के सदस्यों उद्वेगों की अपील करता है और उन्हीं के सहारे जीवित रहता है। व्यक्ति जब किसी चीज़ के विषय में विचार करता है या निर्णय लेता है, उसका मूल्यांकन करता है, तो उसे उद्वेग का प्रभाव कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। हिंदुओं में विवाह संबंधित एक दृढ़ मूल्य, अंतर्विवाह से संबंधित एक दृढ़ मूल्य कहलाता है। अर्थात इस सामाजिक मूल्य के आधार पर व्यक्ति को अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करना चाहिए। इसके विपरीत व्यक्ति कोई अंतरजाति विवाह करता है तो सामान्यतः समाज में उसकी निंदा की जाती है। उसी प्रकार यदि विवाह के पश्चात नव दंपत्ति संयुक्त परिवार से अलग हो जाते हैं तो उस दंपत्ति की, विशेषकर वधू की निंदा की जाती है, क्योंकि हिंदुओं का सामाजिक मूल्य आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में ही है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति धर्म, त्याग, अहिंसा के सिद्धांतों पर बने रहकर अपना प्राण तक दे देता है तो उसकी प्रशंसा में लोग गुणगान गाते रहते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वीकृत मूल्यों को मान्यता प्रदान की है। सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों या कार्यकलाप से संबंधित विभिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं। यदि परिवार में पिता से संबंधित कुछ मूल्य होते हैं तो संपूर्ण राष्ट्र के शासन के संबंध में भी कुछ मूल्य हुआ करते हैं। उसी प्रकार विवाह के संबंध में सामाजिक सहवास, धार्मिक आचरण, राजनीतिक, आर्थिक जीवन आदि से संबंध में एकाधिकार मूल्य पाए जाते हैं। उसी प्रकार समस्त मूल्यों में एक बोधात्मक तत्व होता है और वह इस अर्थ में है कि एक व्यक्ति को क्या उचित है कि धारणा उसके क्या है या क्या संभव है कि धारणा पर निर्धारित रहती है। अतः कहा जा सकता है कि मूल्य आदर्श नियमों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, इतने घनिष्ठ रूप में कि इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना कठोर
हो जाता है। आदर्श नियमों को जॉनसन के अनुसार विस्तृत दृष्टिकोण से देखने पर मूल्य तथा आदर्श नियम के मध्य पाए जाने वाले अंतर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मूल्यों के अर्थ एवं उत्पत्ति के संबंध में मुखर्जी ने कहा है, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य है जिसका अंतरीकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो व्यक्तिनिष्ठ अधिमान मान तथा अभिलाषाएं बन जाती है। मुखर्जी के विचार में समाज वैज्ञानिकों द्वारा मूल्य को उचित रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान में मूल्यों को केवल अधिमानों के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि अन्य सामाजिक विज्ञानों में मूल्यों को क्रियाशील आवश्यकीकरण या कर्तव्यों के रूप में रखा गया है, परंतु ये सभी मूल्यों की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट नहीं करते। मूल्यों की उत्पत्ति एक सामाजिक संरचना विशेष के सदस्य के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप धीरे धीरे होती है। वास्तव में मनुष्य को अपने परिस्थितिगत पर्यावरण से एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अपनी जीवन निर्वाह एवं भरण पोषण संबंधी समस्याओं का सामना करना होता है। अपने समाज व समूह के अन्य लोगों के साथ सामाजिक जीवन में भी भागीदार बनना पड़ता है और अपने व्यक्तित्व तथा संस्कृति के मध्य एक आदान प्रदान की प्रक्रिया में भी सम्मिलित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि समाज के सदस्यों के लिए समाज द्वारा कुछ अधिमानों मापदंडों तथा सामूहिक अभिलाषाओं को व्यवहार के आधार पर प्रस्तुत ना किया जाए तो समाज में अव्यवस्था असुरक्षा और अशांति का अधिकार स्थापित हो जाएगा। इस स्थिति में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ मापदंड इच्छाएं एवं लक्ष्य विकसित किए जाते हैं और वे समाज में प्रचलित रहते हैं, जिन्हें व्यक्ति सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया की अवधि में अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है। मुखर्जी ने लिखा है कि मनुष्य को मूल्य अपने जीवन से, अपने पर्यावरण से, अपने आप से, समाज और संस्कृति से ही नहीं अपितु मानव अस्तित्व एवं अनुभव से प्राप्त होते हैं। मुखर्जी ने सामाजिक संगठन के चार आधारभूत प्रारूपों को श्रेणीबद्ध किया और ये प्रारूप मुख्य रूप से, पहला है भीड़। सबसे अस्थायी समूह भीड़ होता है जो कि आदिम प्रकार के संबंधों तथा व्यवहारों को दर्शाता है और बिल्कुल रचनात्मक नहीं होता, बल्कि आदिम प्रवृत्ति एवं संवेगों से भरपूर होने के कारण विनाशकारी होता है। मुखर्जी जी ने लिखा है कि एक सामाजिक इतिहास के विकास में भीड़ का रचनात्मक कुछ ऐसा ही होता है कि उसके द्वारा व्यक्ति सीधी कार्रवाई द्वारा गलतियों, अपराधों या बुराइयों को तत्काल और अनायास दूर करने का प्रयास करता है। आधुनिक समाज में भीड़ एक साधन है जिसका कि उपयोग सर्वत्र आर्थिक या राजनीतिक सत्ता को हथियाने के उद्देश्य से क्रांति की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार मुखर्जी द्वारा दूसरा प्रारूप बताया गया है स्वार्थ समिति। सामाजिक संगठन का यह दूसरा प्रारूप होता है। स्वार्थ समिति या स्वार्थ समूह या कुछ स्वार्थों की पूर्ति के लिए संगठित होता है। अतः मुखर्जी के अनुसार स्वार्थ समूहों का अधिकांशतः संबंध ऐसे आंशिक भाज्य तथा साधन मूल्यों से होता है जिसके भागीदार एक समुदाय के सभी लोग नहीं बन सकते। उदाहरण के लिए एक श्रमिक संघ एकता, पारस्परिक सहयोग, निष्पक्षता मूल्यों पर आधारित हो सकता है, किंतु वे मूल्य संघ के सदस्यों तक और संघ के निजी उद्देश्यों की पूर्ति तक ही सीमित होते हैं। तीसरा प्रारूप उन्होंने बताया समाज या समुदाय स्वार्थ। इसके अंतर्गत समूहों की अपेक्षा सामाजिक संगठन के अधिक विस्तृत तार्किक और नैतिक आधारों को प्रस्तुत किया गया है। इसलिए समाज या समुदाय में इच्छाओं, संवेगों का अधिक एकाकीकरण
एवं व्यक्ति के साथ व्यक्ति का तथा स्वार्थ का अधिक समायोजन देखने को मिलता है। समाज या समुदाय में समानता एवं न्याय के मूल्य अभिव्यक्त होते हैं। इसी प्रकार मुखर्जी जी द्वारा चौथा प्रारूप बताया गया है सामूहिकता। इसके अंतर्गत सामाजिक संगठन का यह श्रेष्ठतम स्वरूप माना गया है, जो कि सचेत अनुशासन, उच्च स्तरीय बुद्धि और विवेक का परिणाम होता है। इसके सार्वभौमिक सद्भाव, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति आंतरिक निष्ठा तथा स्वार्थ भाव तथा सहयोग सामूहिकता में आधारभूत मूल्य होते हैं। तो देखा दोस्तों, आज हमने डॉक्टर मुखर्जी द्वारा मूल्यों के सिद्धांत तथा उनके द्वारा बनाए गए प्रारूपों के बारे में पढ़ा। आगे की वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।